बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो धमतरी जिले के ग्राम भटगांव के ग्रामीणों ने सरपंच पर राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण के मामले को लेकर पंचायत कार्यालय का घेराव कर दिया। वहीं सरपंच को पद से हटाने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही जनपद पंचायत के सीईओ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सरपंच ने ग्रामीणों के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उसे राजनीति से प्रेरित बताया है। फिलहाल मामले में सीईओ ने शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरा राशन कार्ड के लिए 500 मांगे हैं और मेरे को 5-6 महीना हो रहा है, चावल नहीं दे रहे थे और राशन कार्ड में केवाईसी नहीं हो रहा है बोल रहे हैं। मेरा हस्बैंड का फिंगर नहीं आ रहा था तो अभी 2 महीना का मेरा दिए हैं चावल राशन कार्ड का, उसके बाद दिए नहीं है। मैं 500 पैसा पटाई हूँ तब राशन कार्ड छोड़ा के ले गए। हम लोग 3 फैमिली है। पैसा ले हमारे दी भाई जो भी गरीब परिस्थिति का आदमी देखा से 1500-1500 रूपए पैसा ले वो सब वापिस होना चाहिए और ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। कार्रवाई नहीं है फिर इसने उग्र आंदोलन कर वो अब यहाँ निकल सीधे तहसीलदार में जाओ। अभी निर्णय तो वो बोला थे कि 1 हफ्ता समय दो, काम सब लगन करवा दो करके और 1 हफ्ता मीटिंग भी करवा दो करके बोले है, आश्वासन दे। यहाँ सरपंच का इस्तीफा भर है, मतलब नर्सरी में सामूहिक भवन बना थे उसका भरम है कि वो मतलब देवांगन समाज को दिया जा रहा है ठीक है। और सामूहिक भवन की मेरे पास कापी है, सामूहिक भवन के लिए 25 लाख अलाट हुआ है। थोड़ा आरोप लगाए इन लोग पैसा ले रहा है तो मेरे को प्रूफ दिखा दे मैं मान लूँगा, ये कोई बात नहीं है। बीच में मतलब वो बात आया था जनपद से मतलब लेना 10 रुपया ऐसे कह के, तो उसको भी हमसे अच्छा नहीं लगा तो उसको भी 2-4 आदमी से लिए हैं। 4 विषय पे आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें एक सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में है और दूसरी जो शिकायत है वह अतिक्रमण हटाने के संबंध में और 2 शिकायतें जिसमें पैसा लेने के संबंध में शिकायत है। ग्रामीणों की ये 4 मुद्दों पे मांग है, अब इसमें तत्कालिक जांच करने के पश्चात ही इसको कुछ निर्णय हो पाएगा।